हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं सैमसंग का एक और नया हिडन फीचर के बारे में बात करूंगा, और वो जो हिडन फीचर है आफ्टर वन ईयर अपडेट आने के बाद ही आपके फ़ोन में आया है। और ये जो मेरे पास डिवाइस है, ये है J7 नेक्स्ट, जो कि अभी इसे जो है वन यूआई का अपडेट मिल चुका है, मतलब कि एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल चुका है इसको। और इसमें बहुत सारे हिडन फीचर हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है पीछे। अगर आप जो हिडन फीचर के बारे में पीछे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज हम जो है एक ऐसा हिडन फीचर है उसके बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको नहीं बताया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको वो फीचर जो है आपकी सेटिंग में ही मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड मत करवाइएगा। तो ये जो है ऑप्शन है, ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी है, तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है आपने जाना है एसेसिबिलिटी सेटिंग पे। तो एसेसिबिलिटी की सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे इंटरेक्शन एंड डेक्सट्रिटी, यहाँ पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा टच एंड होल्ड डिले। टच, ये टच सेटिंग है एक्चुअली। टैप ड्यूरेशन, इग्नोर रिपीटेड टचेस। दोस्तों, ये जो है टच की सेटिंग है आपके फ़ोन में, जो टच है इसकी ये सेटिंग है, जो कि आप यहाँ से जो है मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक रखी हुई है। आपके फ़ोन में भी ऑटोमेटिक है, आप जो है यहाँ पे मैनुअली जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कस्टम में है, आप जो है टच की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो हमारे फ़ोन की जो एक्चुअल स्पीड है वो है 0.1 सेकेंड। ये हमारे फ़ोन की एक्चुअल स्पीड है। जब मैं इसको जो है सेट करूँगा, मान लो कि मैंने 0.2 सेकेंड कर दिया, तो देख सकते हो मेरे फ़ोन का टच थोड़ा सा स्लो हो गया। अब जैसे मैं कहीं टच रिपीट कर रहा हूँ, देखो टच कर रहा हूँ तो वो टच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2.2 सेकेंड जो है ज़्यादा लेगा। तो आपने टच जो है उतनी देर प्रेस करना है जितनी देर जो है टाइमिंग यहाँ पे सेट रहेगी। तो कोई भी आपके आपसे फ़ोन लेगा तो वो बोलेगा, यार मुझे मुझे तुम्हारा फ़ोन जो है मेरे से नहीं चल रहा है, तुम्हारा टच ख़राब है, तो वो क्या करेगा, आपका फ़ोन जो है आपको वापस कर देगा। तो यहाँ पे टच की स्पीड आप देख सकते हो, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं बहुत ज़्यादा, 0.4, 0.5, मतलब जब जहाँ तक आप जो है इसको बढ़ाएंगे तब बढ़ जाएगा, देख सकते हो 0.5, 0.6। तो ये जो है जो इसकी फ़ोन की एक्चुअल जो टच की सेटिंग है वो है हमारी 0.1, और यहाँ पे जो इग्नोर रिपीटेड टच है, जैसे ये ऑप्शन ऑन करने के बाद जो है आपके फ़ोन में जो है जो रिपीटेड टच है वो नहीं होंगे, वो उसे वो जो है इग्नोर हो जाएंगे। तो आप जो है इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो मैंने जो है इसको ऑन रखा हुआ है, आप भी जो है रिपीटेड टच को जो है ऑन रख सकते हैं, और बाकी जो है इसकी सेटिंग जो है आप खुद कर लेंगे, और आप जैसे कोई यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन जो है इसके दिए गए हैं। तो जैसे कि इसमें जो है एक और ऑप्शन जो है दिया गया है वो है टैप ड्यूरेशन। टैप ड्यूरेशन भी जो है आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से। और टच होल्ड, टच एंड होल्ड डिले यहाँ पे जो है 1.5 पे भी रख सकते हैं, मीडियम 1 पे भी रख सकते हैं, शॉर्ट 0.5 सेकेंड पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग जो है आप यहाँ से टच की कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं दोबारा से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।